हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीवराज सिंह और आप देख रहे हो जेएस टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए गैस वेल्डिंग लेके आया हूँ, गैस वेल्डिंग बना के दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास कैल्शियम कार्बाइड जो आपको गैस वेल्डिंग की शॉप पे आसानी से मिल जाएंगे, आप 10 या 20 रुपये का ले सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने 10 रुपये का ख़रीदा, बहुत आ चुका है, तो आप भी 10 रुपये का ले आना, वो काफ़ी है। और आपको चाहिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल। फ्रेंड्स, आपको कोल्ड ड्रिंक की ही लेनी है और कोई सी नहीं लेनी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की मजबूत बोतल आती है। तो मैंने कोको कोला की बोतल लिया, और ये एक चाहिए आपको ग्लूकोज सिरिंज जो आपको मेडिकल की शॉप पे आसानी से मिल जाएगा 20 रुपये का आराम से। तो आपको ये ले लेना है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपको इसके ढक्कन में एक मिड में एक छोटा सा होल करना है, ताकि ये सिरिंज इसके अंदर आराम से बैठ सके, टाइट रह सके। और फिर इसको फेविक्विक से और ग्लूगन से हो सके तो इसको एयर प्रूफ कर देना, या ऐसी हवा नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इस प्रकार से इसका कर लेना है जैसे मैंने वीडियो में बताया है। और ये है कैल्शियम कार्बाइड, जो फ्रेंड्स आपको मार्केट जब आप इसको लेने जाओ तब आप इसको अच्छे से पैकिंग में ले आना, ताकि ये ख़राब ना हो। और फ्रेंड्स, ये एयर प्रूफ रखना है इसको आपको। इसमें फ्रेंड्स अगर हवा लगती है तो ये पाउडर बन जाता है, तो इसको आपको खास ध्यान रखना है, इसको अच्छे से एयर प्रूफ ही रखना है इसको पैकेजिंग में। और फ्रेंड्स, ये मैंने 10 रुपये का लिया है मार्केट से, और मुझे काफ़ी मिल गया यार 10 रुपये का। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कैल्शियम कार्बाइड किस प्रकार का होता है और कैसा होता है। फ्रेंड्स, एकदम पत्थर जैसा होता है, आप इसको चाहे कितना ही फूट लो ये टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है, ये पानी में अच्छा खासा रिएक्शन करता है, और पानी में एसिटिलीन गैस इसे बनती है। वो जो गैस वेल्डिंग होती है वो एसिटिलीन गैस से ही बनती है। फ्रेंड्स, ये एसिटिलीन गैस है ना फ्लेमेबल होती है, जो ये आग बहुत खतरनाक तरीके से पकड़ लेती है। और फ्रेंड्स, इसको आप घर पे यूज ना करें आपको बिना नॉलेज के, ताकि आपको इससे काफ़ी हानि हो सकती है। तो आप वीडियो को देख कर ही ऐसा कुछ करें, और मेरे हिसाब से तो घर में मत करना आप इसको, ठीक है। ये बोतल आपकी फट सकती है, इसमें बोतल का भी आपको खास ध्यान रखना है। आपको इस प्रकार के छोटे छोटे तीन, आपको इसमें तीन ही बस, दो या तीन ही आपको डालने हैं। अगर 4-5 डालोगे तो ये इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स। इसमें आपको तीन तीन से ज़्यादा नहीं करना है। अगर तीन से ज़्यादा करोगे तो इसका एक नुकसान है फ्रेंड्स। अगर तीन से ज़्यादा कर दिया और इसको आपने कस दिया तो ये कहीं से भी इसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये बोतल आपकी तुरंत फट सकती है। तो इसका आप खास ध्यान रखें। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ये एक पत्थर जैसा होता है, ये गैस वेल्डिंग की शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और आपको इसमें तीन ये पत्थर डाल देने हैं, आप इसको पत्थर ही बोल सकते हो, तीन ये डाल सकते हो। उसके बाद आपको इतना सा ये कप पानी का डाल देना है। इसमें ये कप है मेरे पास, देख सकते हो इसकी साइज, और ये पूरा इसमें कप डाल देना आपको। और इसको अच्छे से आप इसको अंदर से इसको ऊपर ढक्कन को अच्छे से कस देना है इसमें, ताकि ये ना रहे। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें हमारा रिएक्शन शुरू हो चुका है गैस बनना। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसमें थोड़ी गैस हो जाए फिर मैं आपको इसको जला के दिखाने। और फ्रेंड्स, हम हमारी अभी इस गैस वेल्डिंग के प्रोजेक्ट को हम थोड़ा आग देते हैं आपको दिखाने के लिए। देखना फ्रेंड्स, कितने आसानी से आग को आग पकड़ लेता है, ये LPG गैस से भी खतरनाक है ये। देख सकते हो हमारा गैस स्टोरेज चाहिए। और फ्रेंड्स, इसको आप बनाओ तो बहुत सावधानी से बनाना, ताकि कुछ जल जल ना जाए। और फ्रेंड्स, इसकी बोतल की लिमिट आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको 2 से 3 इस कांकरे इसमें डालने, जितने इसके मुंह से निकल चले जाए। अगर 4-5 कांकरे डाल दिए तो इसके अंदर और फ्लो हो जाएगा, मतलब इसके अंदर आप कसने के बाद इसमें ज़्यादा कंकर डालोगे तो ज़्यादा गैस बनाएगा, इससे हमारा बोतल फट सकता है। वैसे भी फ्रेंड्स, ये 3 कंकर के अंदर आपका ये 5 मिनट तक फुल स्पीड में चलेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने इसको 5 मिनट तक चलाया था, वीडियो में जैसा कैप्चर किया था मैंने दिखाया था, 5 मिनट भी आराम से फुल चला था, ठीक है। तो ये इसमें 5 मिनट के लिए आप इसमें, मतलब इसमें 3-4 काकर में आप पूरा एक चाय बना सकते हो, इतना है बस इसमें, ठीक है। और ये गैस की तरह आप इसको आग भी जला सकते हो।
फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्त को, ठीक है। और फ्रेंड्स इसको एक बार घर पे ज़रूर बना के देखिए और बनाकर देखना कितना मज़ा आएगा फ्रेंड्स ऐसी चीज़ें बनाने में घर पे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड मेरे चैनल